मेकअप किट वाला कॉमेडी स्टोरी। एक गांव में रमेश नाम का आदमी रहता था, जो लेडीज के मेकअप की चीजें जाकर बेचा करता था, जैसे बिंदी, लिपस्टिक, हेयर ड्रायर वगैरह वगैरह। आओ बहनों आओ, लेडीज मेकअप किट्स हेयर ड्रायर जो चाहिए वो आपके घर पे आकर मिलेगा। अब आप अपनी सुंदरता को बढ़ाइए, आज से आपको ब्यूटी पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे ही अपनी सुंदरता को बढ़ाइए, पैसों की बचत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आएगा। एक मेकअप किट खरीदने पर एक हेयर ड्रायर बिल्कुल फ्री, ये मौका हाथ से मत जाने दीजिए। आइए आइए, डायरेक्ट कंपनी की सेल है, जल्दी आइए और ले जाइए। इतने में लक्ष्मी नाम की एक औरत घर से बाहर आती है और कहती है, क्यों भाई, क्या है वो? मेकअप किट है बहन जी, और ये हेयर ड्रायर भी है, क्या आप ब्यूटी पार्लर जाती हैं? नहीं नहीं, मैं कभी नहीं जाती। बिना ब्यूटी पार्लर के ही आप इतनी खूबसूरत हैं, लेकिन आपके चेहरे पर छोटे छोटे काले काले दाग हैं। अगर आप ये मेकअप किट यूज करेंगी तो आपकी खूबसूरती में चार चांद लग जाएंगे। पता नहीं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। मेरा यकीन कीजिए मैडम जी, ये डायरेक्ट कंपनी की सेल है, इंटरनेशनल ब्रांड है, कंपनी वाले आपको ऑफर दे रहे हैं। एक मेकअप किट खरीदेंगी तो ये देखो, यहाँ हेयर ड्रायर मुफ्त में दिया जा रहा है, इसे आप बैटरी की मदद से चला सकती हैं। ये बहुत अच्छा मौका है, आपकी खूबसूरती को बढ़ाने का ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, ले लीजिए। एक किट कितने का है? एक किट 500 का है और हेयर ड्रायर बिल्कुल मुफ्त। अरे बाप रे, इतना दाम मुझे नहीं चाहिए। ऐसा मत कहिए, अगर आप ब्यूटी पार्लर जाओगे तो लगभग 1000 से 1500 रुपए खर्च होंगे, वहीं अगर आप ये किट खरीदेंगी तो 5-6 महीने आराम से आप मेकअप कर सकती हैं। वैसे भी ये काम कर रहे हैं या नहीं हम कैसे यकीन करें? आप डरिए मत, मैं आपको सब बताता हूँ। आपके चेहरे पर जो काले दाग हैं, उन्हें मैं चुटकियों में गायब कर सकता हूँ, और इस ड्रायर से बाल कैसे सुखाना है वो भी मैं बताऊंगा। ठीक है, पहले मेरे चेहरे पर जो काले दाग हैं उन्हें निकालो, फिर देखते हैं। जी जरूर, पहले आप इस क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लो, 10 मिनट बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए, आपके दाग गायब हो जाएंगे। ये कहकर रमेश लक्ष्मी को क्रीम देता है, लक्ष्मी क्रीम को अपने चेहरे पर लगा लेती है। मैडम, अब मैं आपको हेयर ड्रायर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बताता हूँ, ये यहाँ बैटरी से चलता है। ये कहकर रमेश हेयर ड्रायर ऑन करके लक्ष्मी के बालों के पास रखता है। हेयर ड्रायर लक्ष्मी के सारे बाल खींच लेता है, इससे लक्ष्मी के सारे बाल झड़ जाते हैं। हे भगवान, मेरे बालों को क्या हो गया, मेरे सारे बाल झड़ गए। क्यों रे, तुझे अकल है या नहीं, अब मैं टकली हो गई हूँ, मेरे पति मुझे पहचानेंगे या नहीं? लक्ष्मी अपने आप को आईने में देखती है। माफ कर दीजिए मैडम, मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। आप घबराइए मत, मैं आपको विग देता हूँ, आप विग का इस्तेमाल कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छी विग है मेरे पास। क्या, मैं विग लगाऊं? तुम्हें अकल है या नहीं, मुझे मेरे बाल चाहिए। अरे रे रे, इतनी जल्दी आपको आप बाल कैसे मिलेंगे, 2-3 महीने तो लग जाएंगे ना मैडम। मुझे नहीं मालूम, मेरे बाल मुझे चाहिए, अगर मेरे पति मुझे इस हाल में देखेंगे तो मेरी खैर नहीं। आप मेरी बात सुनिए मैडम, ये विग ले लीजिए प्लीज। तुम्हारी बात सुनकर ही मेरी हालत ऐसी हो गई है, अगर फिर से सुनूंगी तो क्या होगा। ठीक है, विग इधर लेकर आ, कमबख्त कहीं का। लक्ष्मी विग लेती है। मैडम, इस पानी से आप अपना चेहरा धो लीजिए, आपके चेहरे के सारे काले दाग चले जाएंगे। लाओ दो। लक्ष्मी पानी लेकर अपने चेहरे को साफ करती है। जैसे ही लक्ष्मी पानी को डालती है, उसका चेहरा काला हो जाता है। अरे ओ नलायक, तूने ये क्या किया, सारे काले दाग चले जाएंगे ये कहकर मेरे सारे चेहरे को ही काला बना दिया, अब क्या करूँ मैं? मुझे माफ कर दीजिए मैडम, जरूर कहीं कोई गलती हो गई है। इतने में लक्ष्मी का पति राजेश वहां आता है। अरे ये क्या हुआ, तुझे मेकअप किट के बारे में कुछ पता भी है या नहीं, या वैसे ही कहीं से भी मेकअप किट उठा कर ले आया?
नहीं सर, ये नया ब्रांड है, अच्छा काम करेगा कहकर मुझे ट्रेनिंग दी गई थी, इसलिए इन्हें बेचने में मैं यहाँ आया। ऐसा कुछ हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। लक्ष्मी, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती? तुम बहुत खूबसूरत रहती हो, तुम्हें मेकअप किट की जरूरत ही नहीं है। मेरी बात नहीं सुनने का नतीजा देखा तुमने, तुम्हारी खूबसूरती भी चली गई और बाल भी। मुझे माफ कर दीजिए, अगली बार मैं इन चीजों के नाम भी नहीं लूंगी। पहले मुझे हॉस्पिटल लेकर जाइए, चेहरा जल रहा है मेरा सारा। अगली बार ऐसी घटिया चीजें मत बेचना, भागो यहाँ से। ये सुनकर रमेश वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बताती है कि बिना जानकारी के हमें कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, उसका नुकसान ही होता है। और वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आप ऐसी ही और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शुक्रिया। मैं कौन हूं? एक गांव में सुमेश नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत ही डरपोक और शांत स्वभाव का था। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था। वो अपने दादाजी के पास पला बढ़ा। उसके दादाजी खेत में तरह तरह की सब्जियां उगाते थे और सोमेश उन्हें पास के शहर में ले जाकर बेचता था। इस तरह दिन गुजर रहे थे। फिर सोमेश की शादी हो गई और शादी के ठीक एक साल बाद दादाजी का निधन हो गया। सोमेश की पत्नी चंपा बहुत ही निडर और होशियार थी। एक दिन चंपा अपने पति से कहती है, ए जी, कब तक हम इस गांव में ऐसी जिंदगी गुजारते रहेंगे? हम शहर जाकर कुछ ना कुछ करते हैं जिससे हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य अच्छा रहे। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम शहर जा सके, और शहर में घर का किराया और भी ज्यादा होता है। मेरे पास मैंने कुछ पैसे छुपाए हैं। आप सब्जी बेचने शहर जाते हो ना, सब्जी बेचते आते वक्त सस्ते में किराए का मकान देख लीजिएगा। अगले दिन सुमेश सब्जी बेचकर मकान ढूंढने निकलता है। बहुत ढूंढने के बाद उसे एक पुराना मकान दिखाई देता है। सुमेश वहां जाकर दरवाजा खटखटाता है। एक बूढ़ी औरत दरवाजा खोलती है और सुमेश से पूछती है, कौन हो तुम, क्या चाहिए? सुमेश कहता है, मैं घर की तलाश में निकला हूं, आपके घर में कोई हिस्सा किराए पर है क्या? वो बूढ़ी औरत सुमेश को देखते हुए कहती है, मैं मकान किराए पे नहीं देना चाहती, बल्कि मैं बेचना चाहती हूँ। मेरा बेटा दूसरे गांव में है, मैं अपना मकान बेचकर अपने बेटे के पास जाना चाहती हूँ। मुझे बस तुम 50,000 रुपए दे दो, मैं मकान तुम्हें बेच दूंगी। सुमेश कहता है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मकान खरीद सकूं, क्या मैं मकान देख सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ अंदर आओ बेटा। मकान बहुत बड़ा था, सुमेश को बहुत पसंद आया। वो बूढ़ी औरत से कहता है, कल मैं अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ और उसे ये मकान दिखाता हूँ, अगर उसको पसंद आ गया तो मैं इसको खरीद लूंगा। सुमेश घर जाकर बीवी को सारी बात बताता है और उसे उस मकान में लेकर आता है। चंपा और सुमेश दोनों को मकान बहुत पसंद आता है और वो अपने खेत बेचकर उस मकान को खरीद लेता है। चंपा कहती है, उस बूढ़ी औरत ने मकान हमें इतने सस्ते में कैसे दे दिया? सुमेश बोला, मुझे क्या मालूम, भगवान की कृपा से हमें अपना घर मिल गया, बस ये काफी है। चंपा और सुमेश घर को सजाते सजाते थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। आधी रात को एक भयानक आवाज सुनाई देती है। चंपा और सुमेश हड़बड़ाकर उठते हैं। चंपा और सुमेश को भयानक आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर जाते हैं। फिर तभी उन दोनों को एक सवाल सुनाई देता है, मैं कौन हूं? दोनों डर के मारे थर थर कांपने लगते हैं। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और फिर एक बार जोर से आवाज आई, मैं कौन हूं? चंपा कांपते हुए बोलती है, हम नहीं जानते। तभी अचानक एक हवा में लाठी आती है और चंपा और सुमेश को जोर जोर से पीटने लगती है। चंपा और सुमेश रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ बचाओ, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोच के रखना मैं कौन हूं। दोनों पति पत्नी पूरी रात सो नहीं पाते। वो दोनों समझ गए कि उस बूढ़ी औरत ने इतने कम दाम में इस घर को क्यों बेचा। उन्हें पता चल गया कि इस घर में भूत है। और दूसरी रात फिर से वही सब होता है। फिर वही सवाल,
पूछा जाता है। मैं कौन हूँ? चंपा कहती है। हमें छोड़ दो, हम नहीं जानते तुम कौन हो। फिर से जादुई लाठी ने पति पत्नी को पीटना शुरू किया। तभी सुमेश ने कहा, आप हमारे लिए भगवान हो। फिर भी उस आवाज ने उन्हें परेशान किया और फिर से कहा, मैं कल फिर आऊंगा, तुम सोच कर बताना मैं कौन हूँ। ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन चंपा का भाई वीरू चंपा से मिलने आता है और वीरू पूरा घर देखने के बाद चंपा से कहता है, चंपा 2 या 3 लाख रुपए में भी इतना बड़ा घर नहीं मिलेगा, तुमको 50,000 में ये घर कैसे मिल गया? चंपा और सुमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। चंपा वीरू को रात होने से पहले भेज देना चाहती थी, पर वीरू नहीं जाना चाहता था। वो 1-2 दिन के लिए रहने के लिए आया था चंपा के पास। चंपा अपने भाई से कहती है, अच्छा भाई अब तुम जाओ। वीरू कहता है, क्या चंपा, तुम तो मेरे पीछे ही पड़ गई हो कि जाओ जाओ, कल मुझे शहर में थोड़ा काम है, मैं उस काम को कर लूंगा फिर उसके बाद चला जाऊंगा। आखिरकार चंपा अपने भाई को बोलती है, अगर रात को यहाँ रहोगे तो भूत से बच नहीं पाओगे। वीरू कहता है, भूत? चंपा सारी बात वीरू को बताती है। वीरू कहता है, मुझे कल सुबह थोड़ा काम है, एक काम करते हैं इसके बारे में सुबह बात करते हैं, अभी मैं जा रहा हूँ सोने, सुबह बात करेंगे ठीक है। और फिर से एक बार रात होते ही वो भयानक आवाज सुनाई देती है। मैं कौन हूँ? चंपा और सुमेश आवाज सुनकर हड़बड़ा कर उठ जाते हैं और वीरू को आवाज देने लगते हैं, भाई जागो हमें बचाओ। वीरू नींद से जागता है और कहता है, तुम कौन हो ये हम नहीं जानते, लेकिन क्या तुम जानते हो मैं हनुमान भक्त हूँ, तुमने मेरी बहन और बहनोई को बहुत सताया है, अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमको कल बताऊंगा कि तुम कौन हो। कब बताओगे, कहाँ बताओगे? वीरू कहता है, कल मैं तुम्हें पीपल के पेड़ पर बांध कर बोतल में बंद करके अपनी जमीन में गाड़ दूंगा, नहीं नहीं जमीन में नहीं आग में डाल दूंगा, तब बताऊंगा कि तुम कौन हो। ये कहकर वीरू जोर जोर से हंसने लगता है। ये सुनकर वो आवाज कहती है, अरे बाप रे, इतने छोटे सवाल की इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे, ऐसा मत करना, मैं यहां से चला जाता हूं। ये कहकर वो भयानक आवाज आना बंद हो जाती है और अचानक से एक पोटली घर में गिर जाती है। सोमेश्वर पोटली को उठाकर खोलता है। उस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सुमेश और चंपा उन सिक्कों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वीरू कहता है, जीजू तुम एक मर्द हो, तुम्हें किसी से डरना नहीं चाहिए, भूत हो या इंसान, डरने वाले को और डराया जाता है, हमें हिम्मत के साथ सारी मुसीबतों का सामना करना चाहिए, ना कि डर से। सुमेश कहता है, हाँ वीरू तुम बहुत छोटे हो, लेकिन तुमने मुझे जीवन का एक बहुत बड़ा सत्य बताया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन के बाद से चंपा और सुमेश उस घर में आराम से रहने लगे। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अगर हम